आपकी नजर में जब सांप किसी को काटता है तो कहाँ जाते हैं लोग? बाई जी के पास। तो ये बाई जी कहाँ हैं, कहाँ मिलते हैं? कहीं मुरादपुर, पंडावल, छतारी, कहीं हल्की सी चोट आई है तो ये रहा। पीछे आ जाओ। बाल्टी दे उल्टी कर, बाल्टी खाली कर दिया। चुप, एक मिनट के लिए चुप हो जाओ सब। तो दोस्तों, जैसे कि आज हम आए हुए हैं गांव, कौन सा गांव है? गांव किशनपुर, छतारी के पास, गांव किशनपुर में। और यहां पर इस घर के अंदर ये एक छप्पर जो है पड़ रहा था, तो इसी छप्पर के अंदर सांप रहता था। दोस्तों, ये एक ऐसा सांप था, भारत का बहुत ही जहरीला सांप, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे लोग नाक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसके काटे जाने पर करीब 1 से 1.5 घंटे में इंसान की मौत हो जाती है। ये इतना ख़तरनाक सांप है, अगर इसके काटे जाने पर सही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो इंसान की मौत बिल्कुल पक्की है। तो ये जो रह रहे थे, इनका नसीब अच्छा है, जो भी लोग इस घर के अंदर रह रहे थे, कि इसने किसी पर हमला नहीं किया। और वरना ये ऐसी जगह पर था कि ये किसी को भी किसी भी वक्त ख़तरा पहुँचा सकता था। और इनका जो है दिन इनके अच्छे थे, वरना जितनी गर्मी पड़ रही है, इन गर्मियों में सांप बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो इंसान के नज़दीक आते ही वो तुरंत बाइट कर देते हैं। और कोबरा तो एक ऐसी चीज़ है, ये कदमों की आहट को दूसरे दूर से ही पहचान लेता है, और जैसे ही इसके पास हमारा हाथ या पैर आता है, ये दूर से ही फूँ करके हम पर बाइट कर देता है। तो दोस्तों, ऐसा सांप अगर किसी को काटे, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ अगर किसी को सांप काटता है तो कहाँ जाते हैं इलाज के लिए? भाई जी, भाई जी, ज़रा पास आओ।
तो दोस्तों गांव में लोगों से बात करना इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को पता होना चाहिए कि अगर सांप काटे तो जाना कहाँ है। तो आपकी नज़र में जब सांप किसी को काटता है तो कहाँ जाते हैं लोग? बाई जी के पास। तो ये बाई जी कहाँ हैं, कहाँ मिलते हैं? कहीं मुरादपुर, पंडावल, छतारी कहीं मिल सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपको पक्का यकीन है कि ऐसे जहरीले सांपों को काटे जाने पर वो बचा लेते हैं इंसान को? बचा भी लेते हैं, समय की बात है, नसीब होता है, मर ही जाता है इंसान। मर ही जाता है। जो आपको पता है कि बाईगी के पास जाना चाहिए, लेकिन हमारे कहने से अगर किसी को सांप काटे तो मेडिकल कॉलेज जाना चाहिए अलीगढ़। मंत्र से, किसी तंत्र से या किसी झारे से नहीं उतर सकता दोस्तों। इनका जो जहर उतरता है वो एंटीडोज से ही उतरता है। जो इन्हीं के जहर द्वारा जो एंटीवेनम इंजेक्शन बने हुए होते हैं उन्हीं से इलाज चलता है, तब जाकर के इंसान ठीक होता है। अगर किसी को सांप काटे तो सीधा हॉस्पिटल जाएं, इस बीच चक्कर में ना रहें। और सुनो, जितने भी लोग यहाँ पर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं वो ध्यान में रखें, अगर किसी को सांप काटे तो किसी बाईगी के पास जाने की राय ना दें, सीधा हॉस्पिटल जाने की राय दें। और ध्यान रखें, समय की इसमें बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर किसी को सांप काटता है तो तुरंत उसको बाइक पर बिठाएं या कार में लेटाएं, सीधा मेडिकल ले जाएं। एक मिनट भी फालतू के न गवाएं, क्योंकि दोस्तों इसमें टाइम की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर आपको एक मिनट पहले भी एंटीवेनम लग जाता है तो जान बच जाती है, अगर एक मिनट की भी देरी होती है तो जान चली जाती है। तो इसलिए समय का ध्यान रखें, अगर किसी को सांप काटे सीधा हॉस्पिटल ही जाएं। और रात के समय लोग जो है, जब कभी कभी ज़मीन पर सो जाते हैं तो ज़मीन पर ना सोएं, चारपाई पर ही सोएं। बरसात का सीज़न है तब तक तो चारपाई पर ही सोएं, क्योंकि सांप इन दिनों कीड़े मकोड़े या मेढकी एडकी होती हैं, इन्हें खाने के लिए आते हैं, या ये पतंगा जो आ जाते हैं तीतरी मीतरी उड़कर जो रोशनी में आते हैं, तो इन्हें खाने के लिए सांप करीले चले आते हैं। और लोग जब ज़मीन पर सोए हुए होते हैं तो उनके लिए काट लेते हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसको ढूंढने में काफ़ी मेहनत हुई है। और देखिए, कुछ हल्की सी चोट आई है, ये रहा वो जिस छप्पर पर हम चढ़े हुए थे वो अचानक से नीचे गिर गया, तो ये हाथ हमारा किसी चीज़ से घिस गया। तो ये थोड़ी सी कुछ चोटें आई हैं, पर ये आती रहती हैं, कोई बात नहीं। चलिए अब चलते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, क्योंकि अभी काफ़ी सारे सांप हो गए हैं, इनको भी आज़ाद करना जंगल में। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। और सांप काटे तो फिर से बोल रहा हूँ, एक बार सांप काटे तो हॉस्पिटल ही जाएगा। लोग मानते नहीं हैं, मर जाते हैं, तब हमारे पास आते हैं, कहते हैं क्या हो सकता है इसमें, कुछ कर सकती हूँ मैं, कि मैं क्या कर सकता हूँ। जब समय होता है आप लोग कुछ नहीं करते तो मैं क्या करूँगा। मैं तो केवल आपके लिए एक सही रास्ता, मेरा हर वक्त सांपों से पाला पड़ता है, तो मैं एक आपके लिए सही राय दूंगा, गलत राय नहीं दूंगा। और ये इस वीडियो के माध्यम से, ये नहीं कि मेरा देश ही देख रहा है, अन्य और भी देश देख रहे होंगे, तो इस पर मैं गलत राय नहीं दे सकता दोस्तों, सही राय दूंगा मैं आपके लिए। सांप काटे तो केवल हॉस्पिटल ही जाएं, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो। दूर को हट जाओ ना, तो बना लो ना, दूरी बना लो, अगर इतना ही नज़दीक से दिखे, इतना ही दूर से दिखे। धर्म भरो है, वो है धर्म भरो, धर्म है, धर्म है, धर्म है। नल चालू है क्या के बंद है? हाँ, तो दोस्तों मिलिए उनसे जिनका ये घर था, उनका छप्पर जो है टूट गया। तो आपको छप्पर टूटने का अफसोस तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई तो नहीं है, जान प्यारी है। जान प्यारी हमारी, तो जान प्यारी है। कहीं ऐसा लग रहा हो कि सांप के चक्कर में मेरा नहीं, वो छप्पर टूटवा दिया? ना ना, लेकिन छप्पर इतना ज़रूरी नहीं है जितना ये सांप पकड़वाना यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ये आपको, हो सकता है आपके यहाँ खतरा कर देता, हो सकता है रेंगते रेंगते पड़ोसी के यहाँ चले जाए, पड़ोसी के यहाँ खतरा कर सकता था। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, मैंने एक बात यहाँ पर देखी है कि जब किसी के यहाँ मुसीबत आती है ना, या कोई परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर सारे पड़ोसी खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ अकेले ही लगे हुए थे बेचारे, किसी ने ये नहीं कि चलो हम भी हेल्प करा दें इसमें। तो पड़ोसी, अच्छा पड़ोसी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है, क्योंकि हर दिन किसी पर मुसीबत जो है नहीं रहती, और किसी पे भी मुसीबत आ सकती है। तो उस वक्त जो है सब लोग मिलकर खड़े होते हैं तो मुसीबत का सामना बहुत आसानी के साथ हो जाता है।
तो सभी के लिए अपने पड़ोसी होने का अच्छा फर्ज निभाना चाहिए। अगर किसी के यहाँ कोई दिक्कत है ऐसी वैसी तो थोड़ा थोड़ा उसमें हाथ बटाना चाहिए जो आप करने लायक हैं। तो इनका साथ नहीं दिया किसी ने, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था इसलिए ये बात बोली है मैंने। तो अब वैसे आप संतुष्ट हैं या हो सकता है इसमें कुछ और भी हो सकता है? हो सकता है तो इसको आप कूड़े को हटाइए थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा। ठीक है, कोई लकड़ी बकड़ी लेके अगर मिले तो दोबारा कॉल कर दिएगा, मैं दोबारा फिर से आ जाऊँगा। ठीक है, अगर दिखे तो अब थोड़ा थोड़ा कूड़ा हटा करके दोबारा से इसको बिछा लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। इधर 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 दोस्तों आ चुके हैं जंगल में और इन सांपों को कर देते हैं आज़ाद। जैसे कि एक सांप हमने कल रात पकड़ा था, काफ़ी देर रात अपने ही गांव से जो पकड़ा था, और एक हमने गांव सैदवा से पकड़ा था अभी कुछ देर पहले, और अभी एक कुछ देर पहले कोबरा सांप गांव किशनपुर से पकड़ा था। तो इन तीनों सांपों को इस जंगल में हम आज़ाद किए देते हैं ताकि ये अपनी जो भी इनकी क्रिया है इस जंगल में इस पर्यावरण में उस क्रिया को जारी रख सकें और हमें नई नई होने वाली बीमारियों से बचाए रखें। चलिए इनको आज़ाद करते हैं। थोड़ा और पीछे से बना दो। दोस्तों कर दिया इनको आज़ाद, अब चलते हैं और फिर किसी नए रेस्क्यू की तलाश में, और फिर मिलते हैं इसी तरह किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।